जिसने पैदा किए आसमान और जमीन छह दिनों में, सुमस्तवाद अर्श, फिर मुतमक्किन हुआ है अर्श पर। अब ये अर्श भी जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, ये भी आयात मुतशाबिहात में से है। इसकी कोई हकीकत भी हो सकती है कि कोई वाकईतन मुजस्सम कोई शय हो, कोई चीज़ हो, फिल वाकई किसी जगह पर हो, और यह भी हो सकता है कि इससे मुराद महज इस्तेआरा हो। वल्लाहु आलम। आलम गैब की ये सारी खबरें जो हैं, ये मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, ये मुस्तकिल तौर पर ये तो आयात मुतशाबिहात ही में रहेंगी, ये तो आलम आखरत में दाखिल होने के बाद ही इसके हकायक मुनकशिफ होंगे। अलबत्ता जो साइंटिफिक फिनोमेना वगैरह हैं उनके बारे में तदरीजन बाज़ आयात मुतशाबिहात जो हैं वह अब मोहकमात की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, बाद और कर लेंगी। वल्लाहु आलम। युग्शिल लैल नहार, वो ढांप देता है रात को दिन पर, या रात को ढांप देता है दिन से। यत्लुबुहु हसीसन, और वो उसके पीछे लगा हुआ आता, दौड़ता हुआ, दिन रात के पीछे, रात दिन के पीछे। वश्शम्स वल कमरा, और सूरज को पैदा किया उसने, और चांद को, वन नुजूमा, और सितारों को, मुसख्खरातिन बे अमरी, और ये सब के सब उसके हुक्म से अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, मुसख्खर हैं, जो भी कायदा कानून है उसकी इताअत कर रहे हैं। अला लहुल खल्क वल अम्र, आगाह हो जाओ, उसी के लिए है खल्क और उसी के लिए है अम्र। ये आयत जो है इसके दो मफहूम ज़हन में रखिए, एक तो है जो बहुत सादा है, सतही मफहूम है, वो भी दुरुस्त है, कि एक है तख्लीक और एक है फिर अल्लाह का हुक्म, कायनात उसने बनाई और अब उसका हुक्म है, ये करो ये ना करो, ये अवामिर है, ये नवाही है, ये शरीयत है। लेकिन इसका एक गहरा मफहूम भी है कि असल में क्रिएशन जो है इस कायनात में दो सतह पर हुई है, एक आलम अम्र है, एक आलम खल्क है। आलम अम्र में सिर्फ क्रिएशन एक्स निहिलो होती है, अदम महज से तख्लीक, और उसमें टाइम फैक्टर बिल्कुल नहीं होता, कुल फयकून, कोई टाइम फैक्टर नहीं, बगैर किसी मादे के, बगैर किसी प्री एग्जिस्टिंग शय के कुछ पैदा कर देना और उसमें किसी टाइम फैक्टर का ना होना, ये आलम अम्र का के खवास है। आलम खल्क में किसी शय से दूसरी शय बनती है और उसके बाद उसमें टाइम लाजिमन है। इंसान है, 9 महीने रहम मादर के अंदर बच्चा रहेगा, 8 महीने रहे, 7 महीने रहे, बहरहाल उसे वक्त लगेगा। आम की गुठली है, उस आम की गुठली को दरख्त बनने में कई साल लगेंगे। आसमान और जमीन की तखलीक हुई है 6 दिनों में, हमेशा ये इसका जिक्र होगा। और जाहिर बात है 6 दिन वो हमारे दिन तो नहीं है, कुरान मजीद में तो कह दिया गया अल्लाह का एक दिन 1000 बरस का भी है, एक दिन 50,000 बरस का भी है, ये मिलेनियम्स भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने बनाया है आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में, ताहाल ये 6 दिन हमारे लिए ये भी आयात मुतशाबिहात में से है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 6 दिन और 7 आसमान ये तो ज़्यादा देर नहीं गुजरेगी कि इंशाल्लाह इनकी हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी साइंस की मजीद इक्तिशाफात के ज़रिए से, और ये आयात मुतशाबिहात के दायरे से निकल कर आयात मुहकमात में आ जाएंगी। लेकिन ये कि असल बात जो है वो ये है कि खल्क और अम्र, अब अम्र आलम अम्र से मुतालिक नोट कर लीजिए, सिर्फ 3 चीजें हैं, अरवाह इंसानी, रूहम मिन अम्रेना, या सलूना का भी रूह बोले रूह मिन अम्र रब्बी, मलायका आलम अम्र की शय है और वही आलम अम्र की शय है, 3 चीजें हैं जिनका ताल्लुक आलम अम्र से है। लिहाजा फरिश्ते के यहां से लेके और साथ में आसमान तक जाने में कोई टाइम नहीं लग सकता, इसी तरह रूह इंसानी भी यहां से लेकर साथ में आसमान तक जा सकती है बगैर किसी वक्त के। रूह आसमानी, रूह इंसानी का भी वही मामला है जो फरिश्ते का है, इसलिए कि आलम अम्र की चीजें हैं और आलम अम्र में टाइम फैक्टर सिरे से है ही नहीं, कुल फर्क हो। अलबत्त आलम खल्क में वक्त लगता है, सफर होता है तो सफर में वक्त लगेगा, तखलीक हुई है तो उसमें वक्त लगा। तो यह है इसका एक गहरा मफहूम। लेकिन बहरहाल यहां पर अब देखिए, यह कुरान मजीद का एजाज है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अरब का एक बद्दू इस पर से गुजर जाएगा तो उसको भी कोई पेचीदगी नहीं होगी। अला लहुल खल्क वल अम्र, उसी ने पैदा किया, उसी का हक है कि हुक्म दे, बात साफ हो गई और सही है, कोई गलत बात तो नहीं है। वो अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक उसने इससे ले लिया, हिदायत पा ली, मुतमईन हो गया, चल पड़ा। लेकिन यह कि कोई शख्स फलसफी है, हकीम है, दाना है, वो गौर करता है, वो देखता है अम्र का लफ्ज़ कुरान में कहाँ कहाँ आया है, किस मानी में आया है, किस किस जगह पर आया है, उनको जोड़ता है, जोड़कर नतीजा निकालता है, तो मालूम होता है कि ये तो दो बिल्कुल डिस्टिंक्ट आलम है एक दूसरे से, आलम खल्क, आलम अम्र। इसके कवानीन तो अलहदा हैं, नवामीस अलहदा हैं, इनके जाब्ते अलहदा हैं।
तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, बहुत बाबरकत है अल्लाह जो कि तमाम जहानों का रब है। उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, पुकारते रहा करो अपने रब को गिड़गड़ाते हुए आजजी के साथ और खामोशी से, चुपके चुपके, बड़ी बुलंद आवाज से दुआ मांगना पसंदीदा नहीं है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। वला तुफ्सिदू फिल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा, देखो जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद न मचाओ। वदऊहु खौफन व तमअ, और अल्लाह को पुकारा करो खौफ के साथ और तमा के साथ। ये दूसरा हो गया, यानी दो कंपोनेंट्स हुए। अल्लाह को जब पुकारो तो पहली दो डायमेंशंस क्या है कि पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके दिल में, और दो मजीद डायमेंशंस क्या है, खौफ व तमा। अल्लाह के साथ तुम्हारा मामला रहना चाहिए बैन बैन, खौफ भी रहे कि अल्लाह पकड़ ना ले, अल्लाह सजा ना दे दे, और अल्लाह की मगफिरत, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रहे। मा बैन अल खौफ व रजा, रजा उम्मीद, खौफ खौफ, खौफ के दरमियान। तो खौफों व तमा, अल्लाह को जब भी पुकारो इन दोनों के बैन बैन होकर तुम्हारी कैफियत कल्बी और रूहानी होनी चाहिए। इन रहमत अल्लाह करीब मिन अल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह ताला की रहमत जो है वो अहल एहसान बंदों के बहुत ही करीब है, बहुत नज़दीक है। वहुवा लज़ी युसलु रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, और वही है जो भेजता है हवाएँ बशारत देती हुई उसकी रहमत के आगे आगे, यानी बारिश जब आनी होती है तो उससे आगे आगे ठंडी हवा के झोंके आते हैं, ये गोया कि बशारत लेके आ रही है कि बारिश आने वाला है, आने वाली है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ पे आबो गया ज़मीन पड़ी है और लोग मुंतज़िर हैं, आसमान को देख रहे हैं, ए अल्लाह हमारी तो सारी मेहनत जो है जा रही है, बीज ज़ाय हो रहा है परवरदिगार, अब अगर ज़रा ठंडी हवा का झोंका आया है तो ये उनके लिए बशारत होती है कि अब इस ठंडी हवा के झोंके के पीछे बारान रहमत भी आया चाहता है। युरसिलु रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन, यहाँ तक कि जब वो हवाएं उठा लाती हैं बड़े बड़े भारी और बादल, अब ये बादलों में कितने कितने टन पानी होता होगा जो आ रहा है ज़मीन पर गिरता है, उसका कोई हिसाब किताब किया जाए कितने भारी बादल है ये, लेकिन ये हवाएं उनको लिए फिर रही हैं, रुई के गालों की तरह हवाएं फिर रही हैं। सुकना हो लिबलदिन मैयतिन, तो हम उसको हाँक देते हैं उस पानी को एक मुर्दा ज़मीन की तरफ, बेआबो गया वादी की तरफ। फंजलना बिहिलमा, हम उनको उन बादलों को हाँक देते हैं, वो हवाएं जो है हाँक कर ले जाती हैं एक ऐसी ज़मीन की तरफ कि जो मुर्दा है, बेआबो गया है। फंजलना बिहिलमा, फिर हम उस पर पानी बरसाते हैं। फ़खरजना बिही मिन कुल्लि समरात, और फिर हम उससे ज़मीन में से हर तरह के मेवे निकाल देते हैं। और कुछ नहीं तो घास ही हो गई, चरागाह ही हो गई, और अगर आपने कुछ बीज डाले हुए थे या ये कि बीज पड़े हुए थे किसी बाग के अंदर, ऊपर से गिर गिर के उसके फलों में से वो खुद ब खुद फूटेंगे और वो जो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ज़मीन के अपने ख़जाने निकाल देगी। कज़ालिका नुख्रिजुल मौता, ये है असल जो तशबीह दी गई, इसी तरह हम मुर्दों को निकाल लाएंगे ज़मीन से, यानी ज़मीन मुर्दा होती है, कोई उसके अंदर ज़िंदगी के आसार नहीं होते, कहीं कोई वो जो है कोई भी आप देखें कोई हरियावल नहीं कोई, बल्कि वहाँ पर बसा औकात तो ऐसी वीरानी होती है कि कोई कि आपको चींटे भी नज़र नहीं आते, कोई हशरातुल अस नज़र नहीं आते, कोई परिंदे भी आसपास नज़र नहीं आते, कुछ नहीं, कोई ज़िंदगी के आसार नहीं। बारिश होती है उसके बाद यह कि अब आपको देखते हैं चलत फिरत है, एकदम जो है ज़मीन जो है उसने भी हरियावल हरा जो है वो गहना पहन लिया है, उसके हरे हरे कपड़े समझिए कि वो दुल्हन जो है आरास्ता हो गई है, और फिर अब चरिंद परिंद भी आ गए हैं ज़िंदगी, मगर अब ज़िंदगी ही ज़िंदगी है मौजज़न साकी। तो इसी तरीके से ये ज़मीन के अंदर पड़े हुए मुर्दे जो होंगे ये भी गोया कि बीज के मानदे जो ज़मीन में पड़े हुए हैं, हमारा हुक्म आएगा और ये फूट कर निकल आएंगे। कज़ाले का नुखरजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत अख़ज़ करो। वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और जो अच्छी ज़मीन होती है ज़रख़ेज़ वो अपने रब के हुक्म से अपना सब्ज़ा निकालती है, उसमें से निकलती है पैदावार। वल्लज़ी ख़बुसा, और ज़मीन ऐसी भी होती है कि जिसमें रोइदगी है ही नहीं, ज़रख़ेज़ी है ही नहीं, जो ख़राब ज़मीन है, ला यख़रुजु इल्ला नकदा, वो कुछ नहीं निकालती मगर कोई नाक़िस सी चीज़ निकाल देगी, झाड़ झकाड़ कुछ हो जाएंगे। ये नखेद लफ्ज़ जो पंजाबी में सरायकी में इस्तेमाल करते हैं, यही इसी लफ्ज़ की नकेदा, बड़ी रद्दी शय, बड़ी घटिया शय। कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयात लिक़ौमिन यशकुरून, इसी तरीके से हम अपनी आयात को गर्दिश में लाते हैं उन लोगों के लिए कि जो उनकी कदर फरमान कदर करने वाले हों। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।